बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू लर्निंग टाइम यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो आपका लर्निंग टाइम एप्लीकेशन है। आप कैसे गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, और आप लॉग इन करके हमारे जो मॉक टेस्ट है, फ्री के मॉक टेस्ट, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पर, फैसिलिटीज, प्रैक्टिस पेपर्स, पीडीएफ फाइल्स, उन्हें कैसे आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च में जाना है, और क्योंकि मैंने सर्च किया हुआ है लर्निंग टाइम स्पेलिंग का, आप विशेष ख्याल रखें जैसा आप पढ़ेंगे स्पेलिंग बिल्कुल वैसे ही है। और यहाँ पर लर्निंग टाइम पर हम जब क्लिक करते हैं, तो चूंकि अभी एप्लीकेशन नई है तो आपको सबसे ऊपर ही नहीं दिखाई देगी, आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। और जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द लाइव लर्निंग एजुकेशन, ये 10 MB की आपकी ये फाइल है, एप्लीकेशन है। आपको करना ये है यहाँ पर कि बस क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन जो है वो आपको दिख जाएगा। तो अभी समय मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। सब्र रखिएगा, चीजों को समझने के लिए, चीजों तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, ऐसे में 2-3-4 मिनट, और उसके बाद सारी चीजें आपको समझ में बहुत ही क्लियर आ जाएगी, क्लियरली आ जाएगी। 94%, चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इस वीडियो को औरों तक भी आप जरूर पहुंचाएं, जिससे कि वो बच्चे भी यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर आकर के जो है वो आसानी से मॉक टेस्ट को, जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उन्हें कर सकें। अब हम इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर ओपन जब हम करेंगे, जी हाँ, ये ओपन हो रहा है अभी, और ये आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। आपको करना ये है, या तो स्किप कर सकते हैं जो ऑप्शन दिख रहा है, या तो आप ऐसे ही स्क्रॉल करेंगे तो ये चीजें आपको नेक्स्ट नेक्स्ट, मतलब जो भी चीजें इसमें दी गई है वो बताया गया है कि क्या कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज। अच्छा, आप लोग क्या है, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं कि सीधे सीधे यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड को एंटर करके जो है वो लॉगिन कर लेते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई एप्लीकेशन पर आप नए हो तो आप हो कौन है। तो यहाँ पर आप चीजें कुछ फिल करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी नाम ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पर एक लीला करके नाम लिख दिया है, ठीक है। इंटर योर फुल नेम, ईमेल आईडी की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी जो है वो हमने बनाई हुई है आपके टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर है लीला 8801@gmail.com, ठीक है। ये जीमेल की आईडी है जो है, जो हमने ऐसे में क्रिएट की हुई है। और आपको सबसे पहले जो चीज करना है वो यही करना है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन पहले करेंगे दोस्त, और उसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अब एक आपका जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है ये दिख रहा है, तो इस मोबाइल नंबर को हम यहाँ से ले लेते हैं। और मोबाइल नंबर से अगर मैं बात करूँ तो आगे जाकर के आपको भाई पासवर्ड आपसे मांग रहा है, कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पे 12 नंबर, एक मिनट यहाँ पर, जी जी एक मिनट, मैं यहाँ पर 9 नंबर जो है वो कर देता हूँ। नंबर एक बार देखिएगा, बहुत बाकायदा जो है यहाँ पर आपको नंबर जो है कैसे क्या फिल करना है वो चीजें आप अपना ही नंबर फिल करिएगा, क्योंकि ऐप पर जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग बाकी चीजें अभी इस समय हो नहीं सकती हैं। इसे थोड़ा वीडियो आपका इधर उधर हो सकता है, हिले डुले, तो बिल्कुल से आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने कोई भी पासवर्ड डाल दिया है, चलिए 12345 करके मैंने डाल दिया है, और रजिस्टरिंग, जी हाँ, अभी यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम अंदर आ चुके हैं। होम पर जाकर के जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अबाउट अस, और अच्छा ये रही आपकी डिटेल। यहाँ पे आप यहाँ पर जाकर के जो भी आपके अकाउंट्स की हैं चीजें, मतलब जो आप खरीद रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो भी चीजें हैं सब आपको यहाँ पर देखने वाली है। फिलहाल के लिए ये रहा होम आपका, ये रहा होम आपका, सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं, चूंकि अभी 3 टेस्ट जो है वो हमने अभी यहाँ पर डाले हुए हैं, वही 3 टेस्ट आपको जो विजिबल हो रहे हैं। बगल में नोट्स पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छे से सुपर टेट, हैंड रिटन, आपका सी टेट, हैंड रिटन, यूपी टेट, हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, डैशबोर्ड की बात कर लेते हैं। जब कोई चीज आप यहाँ पर आकर के परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जो भी चीजें हैं, एक्सप्लोर ऑल कोर्सेज सारे को नजर आएंगे। रही बात मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में यहीं पर जाकर के जैसे एसएसटी का हमें करना है तो ये लिखा हुआ है फ्री टेस्ट में 3, और यहाँ पर जाकर के आप टेस्ट वगैरह जो है वो ले सकते हैं टेक टेस्ट करके, ठीक है जी। सारी चीजें हैं, और बाकी प्रीमियम वाली चीजें वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। अगर हम बैक करते हैं यहीं पर कुछ और ऑप्शन पे जाने के लिए, जैसे मॉक टेस्ट आपका मैं हिंदी देखना चाह रहा हूँ अभी, तो हिंदी वाली चीजें भी जो है वो आपको कुछ इसी तरीके से ऐसे विजिबल होंगी। तो ये है कि आप कैसे यहाँ तक पहुंच सकते हैं करंट अफेयर्स की चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ से। जैसे अभी ये है, आप इसको हिंदी में जैसे ही यहाँ पर देखिए हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी पर क्लिक करेंगे पूरा का पूरा आपका जो है वो कंटेंट आपका हिंदी में आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि कंटेंट जो है वो आपका हिंदी में।
तो अभी यहाँ जो हम बात करने वाले हैं कि आप फ्री टेस्ट को जो है कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर फ्री टेस्ट 2 करके लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका यूपी टेट हिंदी मॉक टेस्ट 1 करके है, तो टेक टेस्ट वाला ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, मैंने टेक टेस्ट पर क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आई एम रेडी टू बेगिन, ये चीज़ आपको इंग्लिश हिंदी वाला है, कोई दिक्कत नहीं कि आपका हिंदी में सारे इंस्ट्रक्शंस आ गए, आप हिंदी में देखना चाहें तो देख सकते हैं। रेडी टू बेगिन पर आपको क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से ये सारे आपके क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जो आपके टोटल क्वेश्चंस को लेकर के बात की जाए, नॉट विजिटेड 21, अभी नॉट आंसर्ड पहले पे हैं हम, वो चीज़ दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये नेक्स्ट और प्रीवियस का बटन जो यहाँ पर हाथ वाला दिख रहा है ये है, आप इसको ऐसे भी स्क्रॉल करेंगे राइट टू लेफ्ट तो क्वेश्चंस आपके जो है वो स्क्रॉल होते चले जाएंगे। ठीक है जी, अब ये बस ये करना है, कोई चीज़ है हमारा आंसर हुआ और हमने इसको जो है नेक्स्ट पे ऐसे किया, फिर से हमारा आंसर हमने नेक्स्ट पे किया इसको जो है, या आप नेक्स्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। फाइनल पे आकर के चीज़ों को आपको फाइनल सबमिट आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, या सबमिट टेस्ट, टेस्ट पर जब हम सबमिट करते हैं तो ये बता रहा है कि क्वेश्चंस कितने थे, कितने हमने अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्या छोड़े हैं, वो सारी चीज़ें कलर के हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है। फिर हम इसे सबमिट कर देते हैं, योर टेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड, और उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स हैं वो सारी रिपोर्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट हमारे सामने आ जाती है कि क्या कुछ हमारा स्कोर रहा है, टाइम कितना रहा है, एक्यूरेसी कितना रहा है, टॉपर्स स्कोर की बात करें, टाइम कितना रहा, परसेंटाइल, रैंक और सारी चीज़ें। यहाँ पर आप नीचे जाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को देख सकते हैं। टेस्ट जितने भी अवेलेबल हैं उन्हें उनको आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लीजिए, जितनी ज़्यादा संख्या में आप इसको पहुँचा सकते हैं बच्चों तक उसको पहुँचाइए, आप भी टेस्ट अच्छे से लीजिए। यहाँ पर बाकी टेस्ट जो है वो डेली अपडेटेड हो करके यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। कोई और सवाल है, कोई और समस्या दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में, कोई और सजेशन है तो कॉमेंट सेक्शन में ऐसे में आप ज़रूर लिख सकते हैं हमारे लिए। यहाँ पर उम्मीद आशा है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी जैसे कहते हैं ना, लर्निंग बाय डूइंग, खेलिए भाई एप्लीकेशन के साथ में, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। होम पे जो स्टार्टिंग का है वो सारा चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर हम कोई चीज़ यहाँ पर परचेज करना चाह रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये हिंदी का टेस्ट है आपका, और हिंदी में जब हम बात करते हैं तो आपका 20 टेस्ट जो है मैंने दे रखा है, या हम लोगों ने ऐसे में प्रोवाइड करा रखा है 20 रुपये। अब बाय नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं सारी चीज़ें, चूंकि कूपन्स आपके पास में कोई नहीं है अभी, तो कूपन कोई अप्लाई अभी नहीं होगा, उसके बारे में जो है हम बताते रहेंगे बाद में। इस पर बाय पर आपको क्लिक करना है और फिर उसके बाद सारे पेमेंट के ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ से विजिबल हो जाएंगे। जैसे भी आपको पेमेंट करना है आप यहाँ से यूज़ करके पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, पेमेंट ऑप्शंस को आप यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो एक प्रीमियम टेस्ट यानी कि जो आपका पेड टेस्ट है उन्हें भी आप जो है देख पा रहे होंगे कि कैसे आप उन्हें परचेज कर सकते हो। रही बात यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स के डेमो को देखने के लिए, तो आप यहाँ पर डेमो वीडियोस भी आप देख सकते, माफी चाहेंगे, डेमो जो पीडीएफ फाइल्स हैं उन्हें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत अच्छी तरीके से। और चलिए, तो यही सर, और बाकी कोई और सवाल है तो ऐसे में आप हमें ज़रूर लिखें, बात करेंगे जो है हम। नहीं, एक मिनट रुकिए, इसको जरा